आज के डेट में इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस टर्म के बारे में नहीं सुना होगा या इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। लेकिन बीइंग ए फिजिक्स लर्नर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी इससे कहीं बियॉन्ड है। और ये जिम्मेवारी है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके वास्तविक फॉर्म में एज इट इज सीख लेना। जैसा कि पहले के क्लासेस में आपने इस पर चर्चा किया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं, और हमने उस केस में जो फ्लो ऑफ चार्ज ऐसा कुछ दिखाया होगा और इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर लिया होगा या समझ लिया होगा। ठीक उसी तरह से जैसे एक होलो पाइप के अंदर प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर का फ्लो होता है, हमने चार्ज के फ्लो को भी एज्यूम करके रखा है। पर अब यह प्रश्न आपके सामने है कि क्या चार्ज पार्टिकल भी कंडक्टर के अंदर वाटर की तरह फ्लो करेंगे? क्या होलो पाइप का स्ट्रक्चर और कंडक्टर का स्ट्रक्चर सेम है? अगर ऐसा नहीं तो फिर वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है? क्या हम इस तरह से जनरलाइज करके समझने की सुविधा के हिसाब से कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अधूरा समझ रहे हैं? आज इस चीज़ को हमको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। तो अगर इसको पूरी तरह से समझना है तो सबसे पहला चीज आपको लैटिस स्ट्रक्चर की बात करनी होगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है, आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री या सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सॉलिड के स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं। बहुत तरह के लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे सॉलिड के बारे में जनरल परसेप्शन हमारा जो है, एटम बड़े क्लोजली पैक्ड, टाइटली बाउंडेड होते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस काफ़ी कम होता है। अब सवाल यह है कि ये काफ़ी कम वाला इंटर एटॉमिक स्पेस वास्तव में होता कितना होगा? तो जैसा कि आप जानते हो कि एटॉमिक साइज रेडियस के हिसाब से हाफ एंस्ट्रॉन्ग के आसपास मिनिमम होता है। तो अगर दो एटम को ले आकर के क्लोज रखें तो ये डिस्टेंस वन एंस्ट्रॉन्ग या उससे ज़्यादा। और ऑब्वियस है कि हम कितना भी क्लोजली पैक क्यों नहीं कर लें, थोड़ा बहुत गैप रह ही जाएगा। यानी एक लैटिस स्ट्रक्चर में दो एटम के बीच जो स्पेस होता है वो सम नैनोमीटर के आसपास होता है, और यही इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें वो इससे भी ज़्यादा होता है, फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर के आसपास। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस वैकेंट है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को लें और जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं, तो ये जो मैंने डॉट जो दिखाए हैं ना, उसका सेंट्रल एटम का सेंट्रल पोजीशन मतलब न्यूक्लियर पोजीशन है। और अगर हम ऑर्बिट को दिखाएं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये पूरे बॉडी में दिखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली न्यूक्लियस को तो जाके हिट नहीं करेगा, लेकिन एटम के आसपास से टकरा करके वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद से फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, और इस तरह से आप देख रहे हो कि इसका पाथ रेंडम हो जाएगा। यूँ कहें कि वो पॉइंट ए से चला तो यहाँ बी तक पहुँचेगा आफ्टर सफरिंग सक्सेसिव कॉलिजन। लेकिन दो कॉलिजन के बीच उसका पाथ स्ट्रेट होता है, उसको हम लोग फ्री पाथ के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और इसके लिए जो टाइम लगा वो हम लोग एसेस कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन जो पहला हमने ए में डिपिक्ट किया है या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये रिप्रेजेंट की है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली कि सभी इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे हैं लैटिस स्ट्रक्चर में। सभी इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं लैटिस स्ट्रक्चर में, और इसीलिए इसका एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी यू के ऊपर वेक्टर और एवरेज इज इक्वल टू यू वन वैक्टर प्लस यू टू वैक्टर प्लस डॉट 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 यू एन वैक्टर की बात करें डिवाइडेड बाय एन एवरेज निकालने के लिए इज इक्वल टू जीरो।
इसको इक्वेशन वन में याद रखिए। अब देखिए, आपने जो पाथ दिखाया था, ये पाथ ए से होता हुआ है ना, टकरा करके ए बी तक पहुंचा था और हम बी तक ला करके स्टॉप कर दिए। ओके, ये अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तब अब थोड़ा सोचना होगा कि क्या अभी भी वो बी तक ही जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से याद आया, जब आपने है ना इलेक्ट्रोस्टेटिक ऑफ कंडक्टर पढ़ा, तो वहाँ पढ़ने के समय आप बोल रहे थे कि अगर कोई बाहरी फील्ड, चलिए बाहरी फील्ड को देने के लिए ये मान लिया, और इसके अंदर कोई कंडक्टर रखा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। लेकिन यहाँ एक टर्म आया था जिस पे खासा ध्यान आपको देना था, स्टैटिक सिचुएशन। इलेक्ट्रोस्टेट में स्टैटिक सिचुएशन की बात कर रहे थे। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमेशा जीरो नहीं होता। आप अगर शुरू में देखेंगे तो शुरू में बाहर का फील्ड बहुत ज़्यादा है। इंडक्शन के कारण जब चार्ज यहाँ पर डेवलप होना शुरू किया, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और अंदर का फील्ड जो अपोजिट में है वो ग्रेजुअली इनकाउंटर करके उसको जीरो करता है। इसीलिए यहाँ पर टर्म यूज होता है स्टैटिक सिचुएशन। और यहाँ पर कोई ऐसा हमने सोर्स अभी यूज नहीं किया है जो केमिकल रिएक्शन या कुछ करके ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर क्रिएट करता रहे। ओके, जब हम करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सेल यूज करते हैं, इसका एक रोल अलग हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पर स्टैटिक सिचुएशन अराइव नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ऑलवेज वो डायनेमिक सिचुएशन में होता है। तो यहाँ करंट के केस में अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो उस लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ओके, बहुत बार मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। हाँ, होता है, सही बात है, लेकिन स्टैटिक सिचुएशन में। हम यहाँ पर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, तो ऐसे केस में हम स्टैटिक सिचुएशन लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस बात पे आप ध्यान दें। तो अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इम्पोज कर दिया, तो वैसे केस में आप देख लें, ये पाथ ऐसा फॉलो नहीं करेगा। अब ये पाथ कैसा फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लगाया इलेक्ट्रॉन पे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इसीलिए ये सीधे ऐसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन नाम का भी कोई चीज़ होता है। बस होगा क्या, जो जहाँ जाके टकरा रहा था उससे थोड़ा सा अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में टकराएगा। अब इस बार आप बोल सकते हैं कि सर, उस बार तो सेंटर पे आपने स्ट्राइक करता हुआ दिखाया, अब तो आप लाइन पे स्ट्राइक करना दिखा रहे हैं। नहीं, मैंने पहले ही बोला कि ये पूरा वॉल ऑफ द एटम है, कहीं भी टकराएगा, कॉलिजन के बाद उसका पाथ चेंज हो जाएगा, और पाथ चेंज करके ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, और फॉलो करने के बाद से उसको पहुँचना था है ना बी पॉइंट पे, और ये पहुँच गया बी डैश पे, पहुँचना था इंग्लैंड, पहुँच गया जापान, ऐसा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो बी से है ना बी डैश तक पहुँचा, एक्चुअली उसके पोजीशन में स्लाइड शिफ्ट हुआ। यही अगर शिफ्ट सभी इलेक्ट्रॉन ओवरऑल करें, मास में करें, तब वैसे केस में टर्म का नाम चेंज हो जाता है और टर्म हो जाता है ड्रिफ्ट। ओके, और इस ड्रिफ्ट करने की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपके पास कोई डायरेक्टली टेक्निक है कि ड्रिफ्ट कितना हुआ और कितने समय में हुआ, बस डिवाइड कर दीजिए, आपको एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं है, वहाँ जा करके वो ड्रिफ्ट मेजरमेंट करना, उसका टाइम एलेप्स नोट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो थोड़े इनडायरेक्ट टेक्निक के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। और अब यहाँ पर चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ऐसा है जैसा आपको लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो इस वेलोसिटी की बात करने वाले हैं हम। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आगे सिचुएशन को कैरी करना पड़ेगा। इसके पहले एक और चीज़ बता दें, यहाँ मैंने स्ट्रेट पाथ दिखाया है, एग्जैक्ट स्ट्रेट पाथ आपको नहीं मिलेगा। क्यों स्ट्रेट एग्जैक्ट पाथ नहीं मिलेगा, तो इसके पीछे भी रीजन है। आप जब लिखोगे, चूँकि फोर्स लगा है तो एक्सीलरेशन होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और टाइम के साथ अगर s का रिलेशन देखें, है ना, u को जीरो मानते हुए भी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात थोड़ा सा कर्विक होगा। और यहाँ पर हमने स्ट्रेट पाथ बस सिंप्लीफिकेशन के लिए दिखाया है। कुछ बुक इस बात को लिखते हैं और कुछ बुक इस बात को नहीं लिखते। खैर, हम यहाँ तक तो चले ही आए हैं। अब आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज क्यू को प्लेस करेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। इसको तो एफ लिखेंगे, अच्छा क्यू के जगह पर ई लिखेंगे, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, माइनस दे दीजिए और वेक्टर दे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है। ओके, अभी फोर्स को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलेरेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, और ये माइनस ई ई वैक्टर हो गया। अब तब ए वेक्टर मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई ई बाय एम, है ना, यहाँ याद रखें ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए अपनी सुविधा के लिए। और एक चीज़ देखिए, बड़े गौर से आप देखिएगा कि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है तो ई तो कॉन्स्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी होगा। ओके, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा। ओके, चलिए यहाँ तक वेल बढ़िया। अभी आगे बढ़ने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहला इक्वेशन था, सबसे सिंपल वाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर v1, u1 और t1। t1 वह टाइम है जितनी देर तक वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। ओके, उसको रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री है, कॉलिजन सफ़र नहीं किया है। उसी तरह से सेकेंड के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू t2। आप थोड़े से सरप्राइज होंगे इस बात को लेकर के, चिंतित भी होंगे कि सर a1 a2 ऐसा कुछ आप नहीं लिख रहे हो, ये गलती क्यों कर रहे हो। इसके आंसर आप खुद ही दे लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मुझे तो देना ही है। ओके, आपने एक्सेलेरेशन सबके लिए कॉमन माना है तो a1 a2 an लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर, वेक्टर दे दीजिए क्योंकि आप वेक्टर के फॉर्म में ही डील कर रहे हैं। ओके, अब आपने ऐसा कर लिया। अभी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, v1 v2 सबको जोड़िए, है ना, vn डिवाइडेड बाय n, ऐसा कर लीजिए। ओके, ऐसा करने के बाद आपके पास, अब मैं फिर ऊपर नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर लेता हूँ, ऊपर से इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा करने के बाद आपके पास देखिए वी एवरेज जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये यू से लेकर के यूएन तक ऐड करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाय n, और प्लस इस वाले से a वेक्टर कॉमन हो जाएगा, a वेक्टर कॉमन ले लीजिए, और यहाँ हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn डिवाइडेड बाय n। वेल, ये भी हो गया, यहाँ पर वेक्टर दे दीजिए। अब इक्वेशन वन में ध्यान से देखिए, इसी चीज़ को हमने जीरो, चूँकि रेंडम मोशन था इसलिए आपने इसको जीरो किया हुआ है, और प्लस ए,
ये पूरे वाले टर्म को, ये पूरे टर्म को एक टर्म टॉ लिखते हैं। ओके, टॉ जो है वो हिंदी का चौ जैसा है, ठीक है, टी ए यू, ताऊ नहीं टॉ। ये वी एवरेज हो गया ऐसा। ओके, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं सुविधा के लिए। जहाँ पर अगर आप टॉ की बात लिखेंगे तो ये क्या है, टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट 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 टी एन डिवाइडेड बाय एन, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब तक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में चल रहा था, कॉलिजन सफ़र नहीं कर रहा था, तब तक वो रिलैक्स था, इसीलिए इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^14 -14 सेकेंड के आसपास। आप सोच सकते हैं कि हम अगर कभी भी रिलैक्स करते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम 10^-14 सेकेंड है ना, कुछ तो इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया, आप यहाँ नोट कर लेंगे। और अब देखिए, एक काम करते हैं, बाय डेफिनेशन, ड्रिप वेलोसिटी का डेफिनेशन से हमें एक चीज़ मिला था कि ड्रिप वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एवरेज ऐसा होगा। तो यहाँ से आप ए वेक्टर इनटू टॉ लिख सकते हैं, और बिकॉज आपको ए वेक्टर पहले से मिला हुआ है, इक्वेशन 2 में हमने निकाला था, वो आपको ई ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टॉ ए वेक्टर के फॉर्म में हो गया। यहाँ नेगेटिव साइन क्या बताता है, तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि वी डी वेक्टर जो है वो अपोजिट है, डायरेक्शन के सेंस में अपोजिट टू ई वेक्टर है ना। अगर आप केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं है ना, डायरेक्शन आपको पहले से पता है या डायरेक्शन का ओपिनियन आप पहले बना चुके हैं, तो वैसे केस में मॉडुलस दे दीजिए। और जब मॉडुलस देंगे तो इधर से मॉडुलस साइन और वेक्टर हटा देते हैं, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड में वी टी इज इक्वल टू है ना वेक्टर नेगेटिव मॉडुलस सब हटा दीजिए, ये आ जाएगा। यही एक्सप्रेशन है ड्रिप वेलोसिटी का, यानी इसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकता है। वो जो हमारा एजम्पशन था कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्लो कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी तब होती जब सुपर कंडक्टर होता, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तब तो इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रेट फ्लो करता, और अगर ऐसा हो जाता तो बहुत कुछ बदल जाता। अभी आगे चल करके ये रिलेशन भी हमें देखना है कि करेंट का जो वास्तविक कंसेप्ट है वो ड्यू टू ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसी ड्रिप वेलोसिटी के कारण करंट किसी भी कंडक्टर में होता है, तो उसके बीच रिलेशन क्या होगा ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।